स्वागत बंधन बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी की क्लास में आरोह भाग 2 इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं आरोह भाग 2। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, मैंने आपको आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं हिंदी के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय से लेके उनकी जो काव्यखंड है उनको मैंने पढ़ाया, जिसमें मैंने आत्म परिचय और एक गीत, ये दोनों ही मैंने आपको उनकी कविताओं के व्याख्या साप्रसंग संदर्भ सहित आपको समझाई। आज हम उन्हीं दोनों पाठों के जो पुस्तक है आपकी उसमें दिए हुए हैं, जो प्रश्न दिए हैं उनके प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? तो क्या आशय है, उत्तर समझेंगे। कवि के अनुसार प्रत्येक जीव जंतु और प्राणी का संसार से खट्टा मीठा संबंध रहता है, यानी अच्छा और बुरा दोनों ही। उसका संसार और समाज से अलग रहना संभव नहीं है, इसलिए चाहे इसके लिए चाहे उसे संसार से व्यंगवान और कष्ट मिले, किंतु दुनिया से कटकर वह किसी भी कीमत पर नहीं रह पाता। इसलिए कविता में जग जीवन का भार लिए घूमने की बात कही गई है। दूसरी ओर कवि लगातार दुनिया से अपने दुविधापूर्ण और द्वंद्वपूर्ण संबंधों का रहस्य उद्घाटित करता है। वह अपने आप को मस्तमौला, मग्न और संसार से अलग प्राणी मानता है। वह मानता है कि संसार में उसका अस्तित्व अलग ही है, इसलिए वह कभी भी जग का ध्यान नहीं करने के विषय में कहता है। जैसे कि इस प्रश्न में समझाया कि व्यक्ति को संसार में यदि रहना है तो उसका संसार में रहना और समाज में रहना अति आवश्यक है, क्योंकि वो ये दोनों ही चीजों से अलग रहकर संसार और समाज से अलग नहीं रह सकता। तो जैसे कवि ने कहा कि चाहे उसको व्यंगवाण और कष्ट मिले, चाहे वो कितना भी कष्ट सहता तब भी वो समाज का ही प्राणी कहलाएगा, या उसको संसार से कितने भी दुख मिले तब भी वह नहीं छोड़ सकता, ना समाज को छोड़ सकता है ना संसार को। जैसे कहा कि खट्टा मीठा संबंध है ना, सुख दुख का नाता है, कभी अच्छा कभी बहुत बुरा, किंतु दुनिया से कटकर या वो सोचे कि नहीं हम समाज में नहीं रहेंगे, हम समाज से अलग, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कविता में जग जीवन का भार लिए घूमने की बात कही गई है। दूसरा, कवि लगातार दुनिया से अपने दुविधापूर्ण द्वंद पूर्ण संबंधों का रहस्य क्या उद्घाट करता, कि वह अपने आप को क्या समझता कि मस्त मौला ने अपने अपने काम से काम, मतलब अपनी मस्ती में रहना, स्वतंत्र मग्न, संसार से अलग प्राणी मानता, नहीं मैं संसार का प्राणी, मैं बिल्कुल संसार से अलग हूँ। वह क्या मानता है कि संसार में उसका अस्तित्व अलग है, संसार में तो है लेकिन संसार से उसका अस्तित्व अलग है, इसलिए वह भी जग का ध्यान नहीं करने के विषय, मतलब वो कहता नहीं कोई कुछ मत सोचो, दुनिया संसार के विषय में कुछ सोचना नहीं है। इस प्रकार से वह कभी भी जग का ध्यान नहीं करने के विषय में क्या करता है, कहता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको इसमें समझाया। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा, फिर से समझिए, जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ऐसा क्यों कहा होगा कवि ने, उत्तर समझिए। कवि के अनुसार संसार जो है विविधताओं से परिपूर्ण है, जैसे कि मैंने आपको समझाया विविधता पूर्ण संसार, इसमें अच्छे बुरे, छोटे बड़े, निर्धन संपन्न, सबल निर्बल, सभी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। इसलिए कवि ने यह कहा है कि जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी रहते हैं, क्योंकि वहां पर सब प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। अच्छे व्यक्ति भी मिलेंगे आपको, बुरे व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति भी मिलेंगे, बड़े छोटे, निर्धन यानी काफी धनवान संपन्न मिलेंगे और सबल निर्बल, और
प्रकार से तो जैसे कि संसार में विविधताओं से जैसे बताया कि परिपूर्ण है, तो इसमें सब प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है कि जहां पर दाना है वही नादान भी होते हैं। फिर है मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में शब्द की विशेषता बतलाइए। किसी बात या शब्द पर बल देने के लिए उसकी पुनरावृत्ति की जाती है। किसी बात या शब्द पर बल देने के लिए उसकी पुनरावृत्ति की जाती है। कवि स्वयं को समाज से बिल्कुल अलग मानता है। कवि जो है स्वयं को समाज से बिल्कुल अलग मानता है। उसका तथा समाज का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। इस कारण कवि ने और शब्द की आवृत्ति 3 बार की है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। इसलिए यहाँ पर और शब्द की क्या की गई, यहाँ पर और शब्द की आवृत्ति 3 बार यहाँ पर की गई है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। तर समझिए, जिस प्रकार अग्नि प्रत्येक वस्तु को जलाकर नष्ट कर देती है, शीतल वाणी में आग होने का, जिस प्रकार अग्नि प्रत्येक वस्तु को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वाणी की कटुता व्यक्ति के लिए अग्नि का काम करती है। वह पारस्परिक संबंधों को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। आपने देखा होगा समाज में बहुत से लोग होते हैं, बहुत धनवान होते हैं, बहुत ज्यादा उनके पास सब चीजें होती हैं, लेकिन यदि उनके पास वाणी की कमी होती है, उनके पास अच्छे से वो बोलते नहीं हैं, तो क्या होता है, ये जो कटुता है वह संबंधों को क्या कर देती, समाप्त कर देती है। कैसे, जिस प्रकार अग्नि, तो जो कटुता है उसको अग्नि का नाम दिया गया, अग्नि के समान, यानी उसको जलाकर नष्ट कर, जैसे आग यदि जल रही है आप उसमें कुछ भी डालेंगे तो वो जलकर क्या होना, नष्ट होना है। उसी प्रकार यदि वाणी की कटुता, यानी वाणी में आपकी नम्रता नहीं है, वाणी में आपकी शीतलता नहीं है, शब्दों में आपकी गंभीरता नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो वह क्या कर देगी, आपको आपके संबंधों को खराब कर देगी। और पारस्परिक जो संबंध है, यानी जो अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे नाते, अच्छे संबंध हैं, उनको क्या कर देगी, पूरी तरीके से समाप्त कर देगी। इस प्रकार शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, ये कवि ने समझाया। पुनः एक बार दोहराती हूँ, जिस प्रकार अग्नि प्रत्येक वस्तु को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वाणी की कटुता व्यक्ति के लिए अग्नि का काम करती है। वह पारस्परिक संबंधों को समाप्त कर देती है। चलिए प्रश्न, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। उत्तर समझिए, बच्चे चिड़ियों के पंखों की चंचलता देखने के लिए नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे चिड़ियों के पंखों की चंचलता देखने के लिए नीड़ों से झांक रहे होंगे। चलिए आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न समझिए, जिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। मैंने इसको आपको समझाया था कि दिन जल्दी जल्दी, आपने देखा होगा सूर्योदय के बाद सूर्योदय धीरे धीरे होने लगता है और दिन कब ढल जाता है पता ही नहीं चलता। चलिए उत्तर समझते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता द्वारा समय के बीतते जाने के एहसास की विशेषता का पता चलता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कब सूर्योदय हुआ, कब दिन जल्दी ढल गया, ये पता ही नहीं चलता है ना, समय बीतता है। बोलते ना कि भाई जल्दी काम कर लो, नहीं तो रात हो जाएगी, नहीं तो शाम हो जाएगी, जल्दी से यहाँ जाना है, जो भी है सब, जैसे पक्षियों का बताया है ना, राहगीर पथिकों का बताया, हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्ति की एक समय सीमा रहती है, तो ऐसा लगता रात ना हो जाए। तो यहाँ पर समय, समय के बीतते जाने के एहसास की विशेषता का पता चलता है। समय क्योंकि परिवर्तनशील है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, रुकता नहीं है समय, अपन ने रोक दिया और रुक जाए, नहीं, समय परिवर्तनशील।
बातें हैं, पहला कि समय बीतने का पता चलना, दूसरा समय परिवर्तनशील है और किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता, कौन समय। इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि बीता हुआ समय कभी वापस लौट कर नहीं आता, कभी आया वापस नहीं आता। जो समय चला गया, जो बीत गया, आज आप लोग सब लोग देख रहे होंगे कि जो समय बहुत पहले था वो समय हमको नहीं मिला, फिर आप जो समय अभी है, अभी तो बहुत कठिनाइयों भरा समय, तो आप देख रहे हैं कि जो समय चला गया या जो बीत गया वह लौट कर नहीं आता और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। चलिए इसके साथ आगे पढ़ते हैं। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? यदि हम उत्तर समझिए, यदि हम निम्नलिखित बातें अपने मन में बैठा लें तो संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल जो है पैदा किया जा सकता है, कैसे, चलिए समझते हैं। पहला है कि सुख और दुख, जीवन के दो पहलू, सुख और दुख यानी कष्ट, जीवन के दो पहलू जो क्रमशः आते जाते रहते हैं। जीवन में सदैव सुख या दुख नहीं रहते, इससे हम आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जीवन में कभी हमको बहुत सुख मिलता है तो कभी हमको गहन दुख भी मिलता है, जो कि हमारे जीवन के साथ चलता ही रहता है। जो कभी, जैसे कहते हैं ना चक्र घूमना, तो चक्र घूमता रहता है, कभी सुख का पहिया घूमता है, कभी दुख का पहिया घूमता है। तो इस प्रकार सुख और दुख जीवन के दो पहलू जो क्रमशः आते जाते रहते हैं, और जीवन में सदैव सुख या दुख नहीं रहते। आप सोचिए कि आज हमको बहुत दुख है, कभी सुख नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीवन में यदि हमको कभी सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा, और यदि दुख मिला है तो सुख भी मिला, इसलिए ये स्थायी नहीं है, कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा, तो ये आते जाते रहते। दूसरा, कष्टों को चाहे हंसकर काटे या रोकर, व्यथित होकर, है ना, कष्टों को हंस के काटे चाहे रोकर, उन्हें तो काटना ही है, तो भलाई किसमें है कि अतः हंसकर ऐसे दिनों को व्यतीत करने में ही भलाई है। कष्टों को चाहे हंसकर काटे या रोकर, देखिए यदि हमें कोई कष्ट मिला है तो हम कितना भी रो लें तो भी हमको वो कष्ट क्या करना, काटना ही पड़ेगा, और यदि चाहे हम उसको हंसकर यानी हंसते हुए, हंसकर काटना माने हंस के लेना कि भाई चलिए ठीक है आया है आज, नहीं तो कल ये किसी प्रकार से कट जाए, ऐसा यदि हम चाहते हैं तो चाहे हंसकर काटे या रोकर, तो हंसकर ऐसे दिनों को व्यतीत करने में ही बहुत भलाई है। चलिए आगे। तीसरा है, अपने कष्टों का निवारण वह स्वयं ही खोजने का प्रयत्न करें, क्योंकि दूसरों के सामने अपने कष्टों का वर्णन करने से कोई समाधान नहीं हो सकता। देखिए यदि हमारा कोई दुख है, हमारी कोई समस्या है, हमारे कोई बहुत बड़ा कष्ट है, तो उसका निवारण हमें खुद खोजना होता है, हम खुद खोजने का प्रयत्न करें, क्योंकि यदि हम अपने कष्टों को किसी के सामने बताएंगे तो उससे कोई समाधान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जैसे रहीम जी ने भी कहा है कि रहीम मन निज मन की विथा मन ही राखो गोए, और सुनी अटी लह लोग सब बांटी न लह कोई, कि भाई अपने मन की व्यथा अपने मन में ही रखो, लोग सुनकर और उसको हंसेंगे, बांटता कोई नहीं है। इसलिए अपने कष्टों का जो निवारण है वह स्वयं खोजने का प्रयत्न करें, क्योंकि दूसरों के सामने अपने कष्टों के वर्णन करने से कभी किसी को कोई समाधान किसी का नहीं हो सकता। फिर है, जीवन में आने वाले सुखों का आनंद भी उसे कष्टों के निवारण से ही मिल पाएगा। जीवन में आने वाले सुखों का आनंद भी उसे कष्टों के निवारण से ही मिल पाए। जैसे बहुत प्यासा रहा व्यक्ति ही पानी के असली आनंद को, और धूप में तपा हुआ व्यक्ति ही छांव के आनंद को, भूखा व्यक्ति ही भोजन के वास्तविक आनंद की पहचान कर सकता है। बिल्कुल सही कहा गया। क्यों? क्योंकि यदि आज आने वाले सुखों का आनंद जब हम अपने कष्ट समस्याओं से, सारी चीजों की समस्याओं से समाधान हो जाएगा तो हमको उसका सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि यदि जिस व्यक्ति को बहुत प्यास लगी रहती है तो उसको कहीं पानी दिख जाए, कहीं तालाब दिख जाए या नल दिख जाए, कोई नदी दिख जाए, तो उसको बड़ा आनंद आता है। धूप में कितना भी व्यक्ति बहुत तेज धूप में यदि है तो यदि उसको कोई झाड़ की, किसी घर की, कहीं की कहीं छाया मिल जाए तो वह बहुत आनंद होता है। यदि बहुत भूख लगी हो व्यक्ति को और यदि उसको कहीं थोड़ा सा भोजन से
जैसे कि तो हमको जब हम अपने जीवन में समस्याओं का समाधान कर लेंगे तो वही हमारे लिए बहुत बड़ा आनंद होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपसदारी जो दी है आपकी पुस्तक में दी हुई है, जैसे जय शंकर प्रसाद जी की जो आत्मकथ कविता की कुछ पंक्तियां उसमें दी हैं आपके बुक में, क्या पाठ में दी गई हैं। तो आत्म परिचय कविता से इस कविता को आपको कोई संबंध दिखाई देता है तो वो चर्चा करें, ऐसा दिया हुआ है। आत्मकथ है, मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। तो ये पूरी कविता आपको इसमें दी है, मैं इसका आपको थोड़ा सा जो उत्तर दिया है तो पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, आप समझिए। जय शंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ तथा प्रस्तुत पाठ की कविता आत्म परिचय दोनों ही कविताओं में पारस्परिक संबंध दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दोनों कविताओं में कवि स्वयं को सांसारिक विषय वासनाओं से दूर दीवानों का जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, वे स्वयं संसार से दूर अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले व्यक्ति हैं। उनके वास्तविक जीवन के विषय में संसार अनभिज्ञ है तथा वे भी अपने विषय में लोगों को कुछ बतलाना आवश्यक नहीं समझते। दोनों कविताओं में कवि सुख दुख में मग्न रहते हुए मग्न रहना चाहते हैं। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको यहाँ पर ये आपका जो आरोह काव्य खंड है जिसमें मैंने आपको आत्म परिचय और एक गीत हरिवंश राय बच्चन जी की मैंने आपको मैं ये पद्यांशों को पढ़ाया, कविताओं को पढ़ाया, इसके प्रश्नोत्तरों को मैंने समझाया। आप अपने रजिस्टर या कॉपी जो भी बेटा आपने बनाई हो उसमें आप बहुत अच्छे से लिखते रहिए, और इसके जो मैंने कविताएं पढ़ाई हो उसके भी कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो कि मैं आपको आगे और पढ़ाऊंगी समझाऊंगी, लेकिन आपको लिखना है और लिख करके बेटा आपको याद करते जाना है। धन्यवाद।